80 हैं, उनको क्या सदर अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है? अभी डीसी साहब के आदेशानुसार अभी हम लोग यहाँ से 50 लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिटेक्निक निरसा के लिए। पॉलिटेक्निक निरसा के? हाँ। ये कब से यहाँ पे था? ये लोग 1 तारीख से है यहाँ पे। तो सारे और सारे निगेटिव हैं ये लोग। मऊ, कुछ लोग मऊ से हैं, कुछ लोग मतलब बाहर से ही हैं मैक्सिमम, दूसरे राज्यों। हाँ, दूसरे राज्यों से। तो इन लोगों को सबको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। और कितने लोग हैं जो यहाँ पे नेगेटिव? उसके अलावा अभी बहुत लोग रिपोर्ट आना बाकी रह गया, लेकिन इसमें से जो भी हैं इनका रिपोर्ट भी आ गया है और ये क्वारंटाइन अवधि को भी पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ तो टोटल 100 बेड ही था। हाँ, 100 पेशेंट कितने थे? अभी ये 50 को अगर माइनस कर दें तो कितने बच जाएंगे? अभी हमारे पास 75 के आसपास, 75-80 के आसपास बच जाएंगे अभी मरीज हैं। हाँ, ये 50 चले जाएंगे तो पचास जाने खाली हो जाएगा। हाँ, खाली होगा। तो इसमें भी मैक्सिमम लोग लगता है क्वारंटाइन अवधि पूरा कर ही लिए? हाँ, क्वारंटाइन अवधि पूरा कर लिए। ये जो 50 जा रहे हैं ये अपना क्वारंटाइन अवधि भी पूरा कर लिए, इन लोगों का रिपोर्ट भी नेगेटिव है। हाँ सर, इन लोगों ने कुछ खाने को लेकर भी आज हंगामा किया है? देखिए, बहुत लोगों की शिकायत है, लेकिन अब हम लोग बेसिकली खाना जो भी है, जो भी एक सामान्य आदमी को दिया जाता है वो खाना दिया ही जा रहा है। लेकिन अब इन लोगों का अलग डिमांड है कि हमको ये दीजिए, ऐसा दीजिए। तो सब तो क्या इन लोग डिमांड क्या? इन लोगों का डिमांड था कि हम लोग का रोजा वोजा स्टार्ट होने वाला, हम लोग को फ्रूट्स वगैरह चाहिए। तो वो सब ध्यान में देखते हुए आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इन लोग का डिमांड है फुलफिल किया जाए। थैंक यू। हाउसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो उसके लिए हम निरसा सारे लोगों को शिफ्ट किया, निरसा है और यहाँ भी हम लोगों ने धनबाद में भी पॉलिटेक्निक वगैरह को, तो 3 जगहों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। वो आपका बुद्धि विवाह मंडप हो या बुद्धि आपका पॉलिटेक्निक हो, निरसा पॉलिटेक्निक हो, ऐसे स्थानों को हम लोगों ने 3-4 जगहों को चिन्हित किया है जहाँ पर कि वैसे लोग जिनके क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण का साक्ष्य मौजूद नहीं है, और जो दूसरे राज्य के रहने वाले जो किसी भी स्थिति में अभी छोड़ करके नहीं जा सकते, तो वैसे लोगों को कम से कम हम लोग उन जगहों पर सदर अस्पताल से भेजने का काम अब शुरू।